हेलो एवरीवन, वेलकम दी प्रोफेसर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के दो कॉलेज हैं जिनमें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो कॉलेज है वो है हंसराज कॉलेज, सीनैक के द्वारा A+ ग्रेड मिला हुआ है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है। तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की 90+ वैकेंसी खाली हैं। तो लगभग 15 डिपार्टमेंट हैं जिनके अंदर ये वैकेंसी खाली हैं। तो ये डिपार्टमेंट हैं बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, संस्कृत और जूलॉजी। तो ये वे सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर पोस्टें खाली हैं। पोस्टें कैटेगरी वाइज खाली हैं, तो आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसमें आपको अपनी मास्टर डिग्री 55% मार्क के साथ कंप्लीट की होनी चाहिए, और इसी के साथ आपको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट क्वालिफाई किया होना चाहिए, या फिर आपके पास एक PhD डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप इस तरह की जॉब्स के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PhD डिग्री के लिए जो क्राइटेरिया दिया गया है आप इस PDF में उसको पढ़ लीजिएगा। ये सारी कंडीशन है PhD डिग्री की। कर लेते हैं इसके सिलेक्शन के लिए जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी उसके बारे में। तो उसके लिए 100-point स्केल का क्राइटेरिया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इससे पहले की वीडियो में हमने ये डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप चाहे तो उन वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। इन कैंडिडेट के इनमें से 60% मार्क्स होंगे उन्हीं को यहाँ पर बुलाया जाएगा, यानी इस 100 में से जिसके 60 या इससे ऊपर मार्क्स होंगे उन्हीं के को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये बात यहाँ पर साफ मेंशन की हुई है, इससे कम वालों को नहीं बुलाया जाएगा। अगर 60 से कम मार्क्स वाले कैंडिडेट इसको फिल करते हैं तो उनके बहुत ही रेयर चांस हैं कि उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो यहाँ पर जो अनरिजर्व OBC और EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पर ₹500 फीस है, और SC ST PWD कैंडिडेट और वुमेन के लिए यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसकी सैलरी की। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो सैलरी मिलेगी वो पे लेवल 10 की होगी, यानी कि उन्हें ₹57,700 है जो एंट्री पे मिलेगी, और इसमें अदर अलाउंस जोड़ दिए जाए तो 75,000 के आसपास उनकी सैलरी होती है। इसकी लास्ट डेट की, तो जो इसकी लास्ट डेट है वो इस एडवर्टीजमेंट के पब्लिश होने के लगभग 2 वीक तक रहेगी, यानी कि अगर ये 16 अप्रैल को पोस्ट की गई है तो इसके 2 हफ्ते बाद तक यानी आप 30 अप्रैल तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं सेकंड कॉलेज की। तो सेकंड कॉलेज है वो है दौलत राम कॉलेज, और यहाँ पर भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पे लेवल दिया गया है वो 10 का ही है, यानी उन्हें एंट्री पे 57,700 मिलेगी प्लस अदर अलाउंस भी साथ में मिलेंगे। तो बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसी की। तो यहाँ पर लगभग 16 डिपार्टमेंट के अंदर 121 पोस्टें खाली हैं जिन पर की भर्ती होनी है। वे अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्टें रिजर्व हैं। तो ये देख लेते हैं किस किस डिपार्टमेंट में पोस्टें खाली हैं। तो यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और संस्कृत, लगभग टोटल मिला के 121 पोस्टें खाली हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज रिजर्व हैं। आप इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। इसके एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो अनरिजर्व OBC और EWS के लिए ₹500 है, और SC ST PWD के लिए ये यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसमें आपको अपनी मास्टर डिग्री 55% मार्क के साथ क्वालिफाई की होनी चाहिए, जिसमें SC ST OBC को यहाँ पर 5% की रिलैक्सेशन मिलेगी, और इसी के साथ आपको नेट क्वालिफाई किया होना चाहिए, या फिर इसी की तरह जो सिमिलर टेस्ट हैं यानी कि स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर SET वो क्लियर किया होना चाहिए, या फिर आपके पास एक वैलिड PhD डिग्री होनी चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है यहाँ पे जाके आप इनकी डिटेल को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी लास्ट डेट की। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अंदर इसकी पब्लिकेशन के 10 दिन के अंदर आपको यहाँ फिल कर देना है, यानी कि ये जो न्यूज़ आई थी वो 16 अप्रैल की एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अंदर आई थी। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट और दिया गया है कि जिन कैंडिडेट का API स्कोर
50 या इससे ऊपर है वो ही इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। तो ये थी आज की डिटेल, थैंक यू। अगर आप इस तरह की नोटिफिकेशन को मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।